press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने यूएसए को आसानी से हरा के सुपर 8 में क्वालिफाई कर दिया। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूएसए यूएसए जीते क्यों? क्योंकि हम उसको सपोर्ट करेंगे, इंडिया को तो कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? बस इंडिया पसंद ही नहीं है भाई। ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट की बात कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन जो नहीं, जो भी है, लेकिन हम अपने उसी को करेंगे, वेस्ट इंडियन को। इंडिया को सपोर्ट नहीं करना, बस जो मर्जी हो जाए। इंडिया से तो हमारी लड़ाई जाए, तो इंडिया को सपोर्ट क्यों करें? यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री है, उसके तो मुकाबला ही नहीं इंडिया से। लेकिन अगर हो रहा है तो मैं ये कहूँगी कि यूएसए जीते, इंडिया तो कभी भी नहीं। इंडिया का लक होगा कि वो इंडिया जीत गया यूएसए से। लक होगा, मेहनत नहीं। नहीं मेहनत नहीं, मेहनत क्यों नहीं? क्योंकि वो बाय चीट जीते हैं हर वक्त। चीट जीतते हैं जी। कैसी चीट? हमें तो यही लगता है कि कोई रिश्वत वगैरह उनका सिस्टम होगा, क्योंकि वैसे कैसे वो जीत जाते हैं? पाकिस्तान क्यों हर बार इंडिया से ही हारता है? अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, इधर आओ। मैं बात है कि विराट मेरा फेवरेट बन सकता है। सबका विराट कोहली फेवरेट क्यों है भाई? ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से ना, थ्रू आउट देखा जाए तो बहुत अच्छा खेला है वो, और ऊपर से सेकंड अगर थोड़ा सा बॉलीवुड की बात करें तो अनुष्का उसकी वाइफ है, तो आपकी अनुष्का भी नजर है। अनुष्का विराट दोनों पे, मेरे लिए दोनों आइडियल्स। भाई वो शादीशुदा है। जी जी, लेकिन एक दूसरा फिर विराट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए वो मैं उनका फैन हूँ। बट अबाउट केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट। एंड ऑफ द डिस्कशन, विराट। इंडिया के प्लेयर जी, मैं क्रिकेट जो भी खेलता है ना, जिसको थोड़ी सी भी सेंस है, उनसे बड़े बैट्समैन नहीं है। बॉलर उनके बहुत, उनको प्लानिंग आती है, उनको टैकल करना आता है, सिचुएशन हैंडल करनी आती है, उनको पता है आपने किस नंबर पे किस प्लेयर को कैसे खिलाना है। कैप्टनसी नज़र आती है, फील्ड पोजीशन का पता है उनको। ए प्लान नहीं काम कर रहा, बी पे कर रहे हैं, बी नहीं तो सी। 120 के बावजूद स्टिल कि हम लोग जीत सकते हैं। और उस बंदे ने एक इनिंग ख़त्म होने के बाद ये बोला है कि भाई हमने अपने क्राउड को खुश भेजना है यहाँ से। अच्छा। जी, रोहित शर्मा ने, और हमारी जो टीम है उन्होंने उनको खुश कर दिया। एज यूजुअल उन्होंने खुश करके भेजा। अच्छा। तो वो भी खुश। यूएसए को थ्रेट कंडीशन ऐसी थी ना, अब हमें उनकी सिचुएशन का नहीं पता, क्या पता क्या कंडीशन होगी, खाना नहीं मिला होगा। गर्मी भी है, इतनी गर्मी है, क्या पता। उसी गर्मी में सब खेल रहे हैं, वो अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ है। हाँ। पर रेगिस्तान के अंदर मैच नहीं हुआ। वहाँ ठंड है, सिर्फ हमारे लिए ठंड है। मैं गई वहाँ पे, ठंड है उनके लिए, तो उनके लिए तो अब हम नहीं जज कर सकते, क्या पता वो थक गए। बाकी टीम्स भी वहीं पर ही मौजूद है। हमें यही कहना है कि हमें नहीं पसंद। मैं को तो हम सपोर्ट नहीं ना कर सकते, तो यूएसए को कर देंगे। यार ये तो क्रिकेट है, इसमें क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? क्योंकि इंडिया एक्चुअली हमारी ऑपोजिट टीम है ना पाकिस्तान की, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑपोजिट टीम तो यूएस में है ना, यूएस के अगेंस्ट भी हमने खेला है, फिर भी हम इंडिया को तो कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ भी कह लो। दुनिया में बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन मेरा जो बेस्ट प्लेयर है ना, वो विराट कोहली है। ये क्या बात है, हर पाकिस्तानी जिससे पूछो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। मेरी बात सुने, जिसको क्रिकेट की जरा भी एलबी का ए टू एबी का पता है ना, वो विराट कोहली को डेफिनेटली जो है ना वो पसंद करता है। उसको रोक के खेलना आता है, उसको 10 की एवरेज से खेलना आता है। अच्छा। उसको अपनी शॉट्स का पता है, उसको गेम प्लान का पता है, हर चीज़ का तो पता है उसको। उसके बाद आप उसे, और वर्ल्ड नंबर वन है वो प्लेयर, उसी क्लास का तो प्लेयर। मैं नहीं समझता कि पिछले 15 साल में कोई उससे बड़ा प्लेयर पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ, क्रिकेट की हिस्ट्री में मेरा एक फेवरेट प्लेयर इंजमाम था, जो वही आजम खान वाला हाल हो गया कि बगैर फिटनेस चेक किए जब आप टीम्स को रखेंगे, बिरयानी खा खा के फूलते रहेंगे, तो आप किस तरह से अच्छा परफॉर्म करेंगे? प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो फिर किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर लेंगे वो अच्छा कर लेंगे? इंडिया के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, और हार्दिक पांड्या, विराट कोहली वगैरह, इंशाल्लाह दिल विन। इंशाल्लाह भी बोल दिया, क्योंकि वो भी तो आपको सबको ही पता है। तो मैच की बात कर रही हूँ, मैच देखे ना, मैच पर ही रहे ना। मैच तो मैच होता है यार, मैच पे भी तो हराया ही है। पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। तो अपने प्लेयर्स हमारे मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत की हुई थी उन्होंने, एंड पे आगे कोई ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जहाँ से वो हार जाते हैं। वो गंदा सा बॉलर भी है जो अजीब तरीके से बॉल कराता है, नाम नहीं मुझे उसका। हाँ जी, ऐसे ऐसे करके आता है, फास्ट बॉलर है। पाकिस्तान उसी की वजह से ही हारता है, की वजह से अजीब सी वो बॉलिंग, अजीब करवाता है कि
वो बॉलिंग ही अजीब करवाता, पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्रिकेट की हिस्ट्री में मेरा एक फेवरेट प्लेयर इंजमाम था, जो मिडल ऑर्डर में एशिया में उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं था। उसके बाद ये विराट है, जो दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है, और वो प्रूव करता है। चार पाकिस्तान के वो बॉलर जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, ठीक है, हम जाके उनसे ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं, कोई एग्रेशन ही नहीं है, कोई दोस्ती यार ही निभा रहे हैं, वो आपको आंखें दिखाता है, आप कहते हैं जी यू आर द बॉस, असी थोड़े मालशी है माजरत के साथ, तो वो गलत है ना। एक गेम में आपको अपना एक दिखाना चाहिए कि यार मैं तुम्हारा कैंडिडेट, मतलब अपोनेंट हूँ, तो मुझे तुम्हें हराना है। क्योंकि पता क्या, क्यों नहीं हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से आता है, इसलिए हम इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्पेशली इंडिया से आता है, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते ही नहीं है कि इंडिया किसी सूरत भी जीते। बस जो कहा जाता है कि जो टॉप फोर प्लेयर्स हैं उनमें जो रूट, विराट कोहली, बाबर आजम एंड स्मिथ। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो रूट अगर इंग्लैंड का है वो T20 नहीं खेलता, इसी तरह स्मिथ भी इस दफ़ा मतलब वो नहीं खेला T20, बाबर आजम को भी स्टेप डाउन कर लेना चाहिए, उससे बड़ा प्लेयर वनडे में कोई है नहीं। वनडे में उस जैसा प्लेयर नहीं है, लेकिन T20 में दोनों जो ओपनर्स हैं ना हमारे, उसकी वजह से पूरे 11 के 11 जो टीम का जो स्ट्रक्चर है ना वो खराब हुआ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब इंडिया क्या कर रहा है, ये तो डेफिनेटली प्रेडिक्टेबल है, जिसको कहते हैं ना एक प्रेडिक्टेबल टीम। मतलब आप एक सबक याद करके जाते हैं, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत जाता है, सुबह उठता है इंडिया, गेम खेलता है और जीत के वापस आ जाता है और जाके सो जाता है। मैं आपको आपको भी मशवरा दूंगी, पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैन भी लग रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दें, आपको रात को सुकून की नींद आएगी, सुबह आप खुश खुश उठेंगे, आपके फेस पे ग्लो आएगा, वो इस वजह से आएगा। आपको भी मेरे भी चिक्स पिंक 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 लग रहे हैं, आपको मेरे चिक्स पिंक पिंक लग रहे हैं, मैं खुश लग रही हूँ, मैं आपको ब्लश करती हुई लग रही हूँ, इस वजह से लग रही हूँ, मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ, इस वजह से मैं करती हूँ, क्योंकि उनकी टीम जो है ना वो आपकी एक्सपेक्टेशन में पूरा उतरती है। यहाँ पर पाकिस्तान से जिस दिन एक्सपेक्टेशन लगा लो, जिस दिन कहो ना यार ये फारिग है, उस दिन जीत जाएंगे शायद, लेकिन जिस दिन एक्सपेक्ट करके ऐसे टिकटिकी लगा के आंख झपके बगैर आप क्रिकेट के सामने टीवी के सामने बैठ जाओगे, उसी दिन इन लोगों ने अपनी औकात दिखा देनी है, उन लोगों ने हार जाना है। इंडिया आज तो पाकिस्तान की, आप मेरे सामने बात मत कीजिएगा, जिस वक्त आपने पाकिस्तान का नाम लिया, आपने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया जीत के ब्ला ब्ला ब्ला, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आई विल वॉक अवे फ्रॉम हियर। USA और मैं बात करूँगी इंडिया के मैच के अंदर, आज कौन सा सितारा था जो नहीं चमका? बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग के अंदर हर्षदीप ने आज ऐसा कर दिया है सिनेरियो कि हम किसी और की बात नहीं कर सकते। पहले ओवर के अंदर प्रेशर क्रिएट करना एक बड़ी बात होती है, जो उस यंग लड़के ने आपको करके दिखाया है। मैं कहूँगी सिंग इज ब्लिंग हो गया आज का सारा स्टेडियम, सिर्फ फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में आप T20 की बात कर रहे हो, आप T20 खेल रहे हो और स्काई की बात ना करें, हो नहीं सकता। स्काई ने आज जिस तरह के स्काई हाई छक्के मारे हैं, दो कमाल कर दिया आज की परफॉर्मेंस में, उसने बता दिया है कि एबी डिविलियर्स हूँ। अगर इंडिया को सोचे और ये सोचे कि आप उसको हरा देंगे तो ये इम्पॉसिबल बात है, ये हो नहीं सकता। सूर्य कुमार यादव के साथ जो उनके जूनियर आए थे शिवम दुबे, भाई उसने मतलब मैं कहूँगी कि क्या कमाल दुबे ने परफॉर्मेंस दी है। और मैं कह रही थी कि भाई वो यंगस्टर, उसका पहला टूर्नामेंट है, वो पता नहीं क्या करेगा। इतने बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेलना, इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलना, एक प्रेशर होता है। वर्ल्ड कप खेल रहा है वो बंदा, यार वो बंदा ऐसा मतलब क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। इंडिया ने काश ये शिवम दुबे हमारी तरफ से खेल रहा होता। और आखिरी जहाँ पर चाचा इफ्तिखार ने धोखा दिया, जहाँ पर फखर जमान ने धोखा दिया, वहाँ पर ये होता तो आज पाकिस्तान जो है ना वो जश्न मना रहा होता। मैं खुशी से पाकिस्तान की फ़ैन बन के ग्रीन कलर की शर्ट पहन के आपसे बात करती। यही चीज़ है कि शिवम दुबे उनका चाहे यंग से यंग प्लेयर हो, चाहे मेच्योर से मेच्योर प्लेयर हो, चाहे बुढ़ा प्लेयर हो 42 ईयर्स का, उनकी क्रिकेट अंडर प्रेशर चल जाती है, हम लोग वहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं। बिल्कुल। एंड पे क्या पाकिस्तानी टीम को मैसेज देंगे? इंडिया ने तो हमारे लिए खेल दी है, हम आगे क्या करेंगे? तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि खासकर क्या इस बार भारत वर्ल्ड कप जीत पाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और मजेदार वीडियो लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।